अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अलीजा ज़ोहे व्लॉग्स। तो आज है बड़ा ही कोई मज़ेदार सा दिन। क्यों है वो? इसलिए है क्योंकि आज मैं इफ्तारी बनाने वाली हूँ नेबर्स के लिए, और नेबर्स मैं भेजूँगी सब जगह। ऑलरेडी 2-3 घरों से मेरे घर इफ्तारी आ चुकी है, और मैंने भी सोचा था कि मैं इफ्तारी बनाऊंगी और भेजूंगी नेबर्स में। और लिटरली खाने से ज़्यादा खिलाना अच्छा लगता है। नायल ये देखे, ये रोज़े रखता है, ये खाने का रोज़ा रखता है ये। तो और मैं हूँ वही अपनी कंफर्टेबल सी टी शर्ट में, जो कि ये मेरी फेवरेट है, मैं इसी में नज़र आती हूँ यूजली। तो खैर एनीवेज, तो बस फिर मैं भी तैयारी करूँगी। और अभी मैं बताती हूँ कि आज महल्ले में नेबर्स में देने के लिए मैं इफ्तारी में क्या बना रही हूँ। अच्छा जी, तो वैसे कोई बहुत ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा मेन्यू नहीं है, पर मुझे अंदाज़ा नहीं है, शायद मैं कुछ और भी इसमें ऐड कर लूँ। तो मैं आज बना रही हूँ अनियन रिंग्स, साथ में कड़ी छोले और फ्रूट्स कट करूँगी, चिकन समोसा बनाऊँगी, और साथ में जो रिंग वाले क्रैकर आते हैं ना कलरफुल वाले, तो वो आज मैं बनाऊँगी नेबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। यहाँ पर तैयारी हो रही है कड़ी छोले की। अच्छा इसको इग्नोर कर दें क्योंकि पतीली पे सब लग चुका है साइड में। अच्छा इसके अंदर मैंने क्या किया है, मैंने इसको भिगो दिया था, सुबह में भिगोए थे चने उसके साथ, क्या होता है सोडा के साथ। भिगोने के बाद मैंने जब बॉयल किया, बॉयल करते वक्त ही मैंने इसके अंदर पिसा हुआ डाल दिया था ज़ीरा, पिसी हुई लाल मिर्च और हल्दी डालकर मैंने इसको अच्छी तरह से बॉयल कर लिया। पानी मैंने इसके अंदर छोड़े रखा ताकि ये कड़ी छोले वाला बनेगा तो लिक्विड बनेगा। आलू बॉयल करके इसके अंदर मैंने डाल दिए थे। अब ये और थोड़े बाकी आलू हैं, ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी ताकि इसके अंदर ना लेस बने और थिकनेस बने। तो इसको अभी कैरी ऑन करते हैं। एक चमचा बेसन को भिगोया हुआ था पानी में, अब ये भी इसके अंदर मैं डाल दूँगी और इसको जल्दी से मिक्स कर लेंगे और ये थिक होता जाएगा। और इसके अंदर साथ में डलेगा नमक, इमली मैंने अभी मंगवाई है, इमली डलेगी, और लास्ट में प्याज डलेगी, और इसके अंदर हल्का सा सिरका डलेगा, और साथ में हरा धनिया जाएगा आखिर में। अब मैं बना रही हूँ अनियन रिंग्स। अनियन रिंग्स बनाने का बहुत आसान तरीका है, प्याज को आपने गोल और मोटा राउंड काटना है और उसको अलग कर लें। अलग करने के बाद आपने पहले अंडे में उसको डिप करना है, फिर ब्रेड क्रम्स में, फिर अंडे में, फिर ब्रेड क्रम्स पे। याद रखें प्याज आपकी बड़ी हो और ज़रा चौड़ी कटी हुई हो, मोटी कटी हुई हो, तो उस पर कोटिंग ज़रा अच्छी लगती है, सही तरीके से लगती है। अगर छोटी प्याज गोल कटी होती है तो उस पर कोटिंग प्रॉपर नहीं चढ़ पाती है, तो इस तरह से करना है। दूसरा तरीका होता है मैदे वाला, तो अब यहाँ मैं मैदे में डिप कर रही हूँ, फिर अंडे में डिप करूँगी, उसके बाद दोबारा मैदे और फिर अंडे में डिप करके इसको मैं फ्राई करूँगी। कीमा अभी हो गया तैयार। आप लोग को याद होगा जो मैंने चिकन पैटी बनाई थी, चिकन पैटी का कीमा बच गया था, उसी कीमे में मैंने थोड़ा सा और पिसा हुआ ज़ीरा ऐड किया, पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की, पिसी हुई काली मिर्च ऐड करी, और हरा धनिया, प्याज डाली, साथ में मैंने चीज़ जो थी वो इसी कीमे के अंदर पकते हुए मेल्ट कर दी। तो ये देखिए, ये इस तरह का मिक्सचर बन गया है। अब मैं करूँगी समोसे की फिलिंग। समोसे तो हो गए हैं सारे तैयार, और ये देखिए मैंने इनको बना लिया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इनको बड़ा डिफरेंट बना रही हूँ, ये बड़े मज़े के बनते हैं। इनको पहले करना है अंडे में डिप, और अंडे में डिप करने के बाद इसको करना है ब्रेड क्रम्स में डिप, और ये इतने मज़े के समोसे बनते हैं जब आप इसे फ्राई करते हैं, इतने क्रिस्पी और क्रम्बी। ज़रूर ट्राई करिएगा ये बाहर भी मिलते हैं और बड़े महंगे मिलते हैं। मेरे ख्याल में कोई 50 या 60 रुपए का एक समोसा होता है, या 40 रुपए का मेरे ख्याल में, इससे कम का तो नहीं होता ये वाला कोटिंग वाला समोसा। तो मैं सबको बनाती हूँ, रेडी करती हूँ, फिर फ्राइंग के टाइम पे ना आप लोगों को दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक। ये देखिए इस तरह से क्रम्ब लगा दिया, और सारे ऐसे कर लूँगी मैं, फिर मिलती हूँ फ्राइंग के टाइम पे। इमली जो मैंने भिगो दी थी, बस मैं उसको हाथों से ज़रा सही से उसका गूदा निकाल रही हूँ, उसके बाद ये जाएगी छोलों के अंदर, और साथ में यहाँ पे बूंदियाँ भी मैंने पानी में भिगो दी थी, तो अब ये दही बड़े में जाएंगी। फ्रूट्स भी मैंने कट कर लिए थे, जिसमें से मैंने लिया है तरबूज और खरबूज़ा,
तो आजकल तरबूज बड़े मीठे आ रहे हैं, लिटरली खरबूजे भी बड़े मीठे आ रहे हैं, तो मैंने इनको इस शेप में काटा है, थोड़ा बड़ा बड़ा मोटा मोटा शेप में। और यहाँ ये देखें, मैंने ये भी तैयार कर लिए थे समोसे, अनियन रिंग्स भी तैयार हो चुके हैं। बस अब फ्राइंग करूँगी इन सारी चीज़ों की, इन सबको रेडी करूँगी और फिर इनकी प्लेटिंग होगी। यहाँ पर ये देख लें, मैंने जो कड़ी पत्ता है उसको मैंने इमली में डाल के और छोलों में डाल दिया है। अब देखें, छोलों का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है और ये बहुत मज़े के बनेंगे और ये थोड़े लिक्विडी होते हैं। साथ में हरा धनिया प्याज जाएगी, इसको दोबारा से मिक्स कर लूँगी। चाहे तो आप गार्निशिंग के टाइम पे लाइक सर्विंग के टाइम पे गार्निश कर लें या पहले से कर लें। अनियन रिंग्स को अब मैं फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने का तरीका ये है कि आपने बहुत तेज़ आंच पे इसको नहीं फ्राई करना है, वरना ये जल जाएंगे, उनका कलर बहुत अजीब सा हो जाएगा। तो आपने इसको लो टू मीडियम पे फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा गरम तेल ना हो वरना ये अजीब सी शक्ल के हो जाते हैं। तो मैं वन बाय वन करके इसमें डालूँगी। एक बारी में आप काफ़ी ज़्यादा डाल सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाते, ये ऊपर ही ऊपर रहते हैं। और अब इनको फ्राई करते हैं। अनियन रिंग्स हो चुके हैं, जो ऑरेंज कलर के हैं वो ब्रेड क्रम वाले हैं और जो थोड़े से येलोइश वाइट से कलर में हैं वो मैदे की कोटिंग वाले हैं, तो दोनों में ये डिफरेंस होता है। अब करूँगी मैं समोसे फ्राई। तो समोसों को भी बहुत तेज़ आंच पे नहीं करना है। मैंने दो तरह के समोसे बनाए थे, एक विदाउट कोटिंग वाले और एक विद कोटिंग वाले। तो अब इनको फ्राई करेंगे। विदाउट कोटिंग वाले में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और जो विद कोटिंग वाले होते हैं ना उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और बहुत ध्यान से उनको फ्राई करने होते हैं। और यहाँ पे ये देखें, मेरे समोसे भी डन हो चुके हैं। ये जो है विदाउट कोटिंग वाले हैं और जो अब मैं निकालूंगी उसके बाद डाल दूंगी विद कोटिंग वाले फ्राई करने के लिए। तो इस तरह से मेरे समोसे भी रेडी हो जाएंगे और जब आपका काम हो जाता है ना तो आपको वाकई बहुत रिलीफ मिलता है। तो अब मैं कोटिंग वाले समोसे फ्राई करूंगी। कोटिंग वाले मैं बाद में इसलिए कर रही हूं कि अगर मैं पहले कोटिंग वाली करती तो उसकी कोटिंग थोड़ी सी तेल में निकल जाती, वो फिर विदाउट कोटिंग वाले समोसों के ऊपर आ जाती। और ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। ये वाले समोसे आप लोगों को ज़रूर ट्राई करने हैं और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे, बनाए कि नहीं बनाए। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे रिंग फ्राई। तो रिंग बस ये बचे कुछ लास्ट ही रिंग का बैच बचा था जो मैंने सारा डाल दिया। डीप फ्राई रिंग करते हैं ना तो बहुत अच्छी तरह से वो फ्राई हो जाते हैं, कम तेल में रिंग हमेशा थोड़े से कच्चे रह जाते हैं। तो अब बारी आ जाती है इनको प्लेट करने की। तो मैंने एक बड़ी प्लेट ली है और साथ में बोल लिया है, बोल के अंदर मैं चने डालूँगी और इस तरह से मैं प्लेटिंग करूँगी। एक मैं समोसा रख रही हूँ, साथ में मैं रखूँगी यहाँ पर रिंग जो फ्राई किए थे वो वाले, और फिर उसके बाद इसके अंदर जाएंगे फ्रूट्स और फिर साथ में अनियन रिंग। अनियन रिंग मैंने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किए तो अनियन रिंग मैं ज़्यादा नहीं प्लेट के अंदर रख पाऊँगी। और इस बार मैंने बहुत ज़्यादा कोई इफ्तारी की क्वांटिटी नहीं बनाई, बस अल्लाह का शुक्र है इतनी बना ली कि मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। और अल्लाह आप सबको भी, आप लोगों के हाथ में इतना वसी करे आप लोगों का हाथ और आप लोगों के रिस्क में इतनी बरकत दे कि आप लोगों के हाथ देने वाले बने। और मेरी हमेशा दुआ होती है कि अल्लाह ताला हम मुसलमानों के हाथ हमेशा देने वाले रखे, और यही दुआ आप लोग भी किया करें। मैं दो दुआ जो होती है ना वो बहुत कसरत से करती हूँ, एक कभी औलाद की मोहताजी ना हो और दूसरे के हाथ हमेशा देने वाले रखें। तो बस अब खजूर मैं प्लेट में रखूँगी, एक एक खजूर रख रही हूँ और अपने हिसाब से होता है। और हमेशा वही वाली बात कि इंसान अपनी चादर को देखते हुए और अपनी सतात को देखते हुए ही अपने हाथ देने वाले भी रखता है ऑफ कोर्स। और बस यही है कि अल्लाह इतने देने वाले हाथ रख दे कि आपको सोचना ना पड़े कभी भी कुछ भी देते हुए। तो अब मैं छोले डाल रही हूँ इन बोल्स के अंदर। तो मेरे पास प्लेन बोल नहीं थे, मेरे पास इस तरह के प्रिंटेड बोल हैं। अदरवाइज़ अगर थोड़ी सी प्रिंटेड प्लेट्स होती है ना उसके ऊपर अगर आप प्लेन बोल में चीज़ रखें तो वो बहुत अच्छी प्लेटिंग लगती है।
अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी तैयार हो गई। अब नाइल जाएगा ये देने के लिए। आज फिलहाल तीन घर में इफ्तारी जो है वो दे रहे हैं, तो अभी नाइल देने जाएगा। मैं तो नहीं जाऊंगी, नाइल जाएगा। मिस्टर उठ जाओ, कोई पूछे तो इफ्तारी कोई पूछे तो कहाँ से आया? B504 नाइल को पता है। पहले यहाँ दे देते ना। तो जा रहे हैं, पहले उस वाले घर में देंगे, कॉर्नर वाले। बच्चा इतना शर्मीला है ना, इसको सिखाना पड़ता है। इतनी मुश्किलों से इसको भेजा है देने के लिए। दे दी, दे दी। दे दो, बता दो नहीं यहाँ से आए हो आप। प्लेट तो लेकर आओ, जाओ है? प्लेट लेके आनी है ना उनसे। लेके? हाँ, तो आपके घर की प्लेट है ना। ना है, क्या चीज हो यार। दे देंगे, आप ले आना, ठीक है? खड़े रहो, दे देंगे। ये ले, आराम से, आराम से ऊपर उठाओ ऐसे करके। जाइए आप, आगे जाइए। फाइनली सारा कुछ हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया। तीन ही घर में देना था तो तीन घर में बांट दिया। अब मैं पी रही हूँ चाय, रोज़ा भी खुल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज़ भी हो चुकी है। और बस आज का व्लॉग इतना ही था। मैंने सोचा आप हमेशा ही सोचती हूँ आपके साथ शेयर करूँ, और शेयर करती ही हूँ। तो है, अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन का बटन अगर आप दबा देंगे ना तो मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी फ्यूचर वीडियोज़ की। तो मुझे बताइएगा आज का व्लॉग कैसा लगा, आज का अफ्तारी वाला जो सिलसिला था आप लोगों को पसंद आया। और आज बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मतलब बांटा, थोड़ा बहुत ही बांटा, पर इंशाल्लाह ताला मैंने सोचा कि 27 रमज़ान को और बहुत अच्छे तरीके से मैं दोबारा एक बार फिर जो है नेबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, तो फिर वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी।